नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। पिता की हत्या मामले में आरोपी पुत्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 8 साल पूर्व संपत्ति विवाद में पुत्र ने पिता की ईंट से कुचलकर की थी हत्या। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कई विभागों को किया औचक निरीक्षण। फर्जी कर्मचारी का मामला आया सामने। करंट प्रभावित तार की चपेट में आने से इंटर के छात्र की हुई मौत। घर में मचा कोहराम। सुल्तानगंज में स्कूली छात्रा की शिक्षक ने की पिटाई, हालत गंभीर, परिजनों ने किया हंगामा। और भागलपुर के जैन श्वेतांबर मंदिर में धूमधाम से मनाई गई भगवान महावीर की जयंती। और अब खबर विस्तार से। संपत्ति विवाद को लेकर पुत्र ने ही अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। घटना के 8 वर्ष बाद कोर्ट ने आरोपी पुत्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सेकंड एडीजे शोभाकांत मिश्रा की अदालत ने फॉरेंसिक जांच के आधार पर पुत्र अमिया को अपने पिता बिनेंद्र कुमार की हत्या का दोषी पाया और अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाया। साथ ही आरोपी पुत्र को जुर्माना भी लगाया। दरअसल 24 जून 2011 की मध्य रात्रि तिलका मांझी थाना क्षेत्र के शिवशंकर सहाय रोड निवासी बिनेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे। इसी दौरान पुत्र अमिया अपने पिता से पानी व्यवसाय से जुड़े सभी दस्तावेजों और ग्राहकों की लिस्ट देने का दबाव बनाया, लेकिन पिता ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अमिया ने घर में रखे ईंट से कूचकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जब अमिया की मां ने पिता को मारने का विरोध किया तो आरोपी ने मां पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन घटना के बाद 25 जून को बेटे अमिया ने तिलका मांझी थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ पिता की हत्या का मामला दर्ज कराया। घटना के 21 दिन बाद अमिया की मां ने पुलिस को अपने ही पुत्र द्वारा हत्या किए जाने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन ने निरसंस हत्या बताते हुए घटना की पैरवी की। इनका जो है आज फॉरेंसिक विभाग के आधार पर जो है जांच के आधार पर इनको जो है दोषी पाया गया, जिसमें जो है 302 में जो है इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 50,000 रुपया फाइन सुनाया गया और 307 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 10,000 रुपये नहीं देने पर उन्हें जो है 6 महीने की और कारावास सजा मैंने काटना पड़ेगा और जो भी जेल में जो सजा काट चुके हैं वो उसमें समझित हो जाएगी। कौन से कोर्ट ने सजा सुनाई? अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन। कौन से कोर्ट ने? सिविल कोर्ट भागलपुर। इस शोभाकांत मिश्रा सेकंड एडीजे के कोर्ट से आज निर्णय हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रशासनिक भवन के कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। रजिस्ट्रार ने परीक्षा विभाग, टेबलेशन सेक्शन, पेंडिंग सेक्शन, गोपनीय शाखा, सत्यापन, एनएसएस और कॉलेज इंस्पेक्टर कार्यालय जाकर कर्मियों की उपस्थिति पंजी की जाँच की और समय पर कार्यालय नहीं आने वाले कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। साफ सफाई को लेकर रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय के इंजीनियर को तलब किया और शौचालय की टूटी पाइपों को जल्द दुरुस्त कराने की बात कही। वहीं रजिस्ट्रार के औचक निरीक्षण से कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसके पूर्व टेबलेशन सेक्शन में भी रजिस्ट्रार ने शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिया। वहीं शिक्षकों ने भी अपनी समस्या सुनाई, जिस पर रजिस्ट्रार ने आश्वासन दिया कि परीक्षा नियंत्रक से बात कर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रार सीधा कॉलेज इंस्पेक्टर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पंकज कुमार नामक फर्जी कर्मचारी को काम करते पकड़ लिया। दरअसल रजिस्ट्रार को सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय के कई विभाग में फर्जी कर्मचारी काम करते हैं, जो छात्र छात्राओं से पेंडिंग रिजल्ट और प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ठगी करते। पकड़ा गया युवक विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मी का ही पुत्र बताया जा रहा है। फिलहाल युवक को पूछताछ के बाद रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय कैंपस में दोबारा नहीं आने की हिदायत देते हुए छोड़ दिया। रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में दलाली करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डिले हो रहा है इन्फॉर्मेशन देने में, सत्यापन को देने में, रिजल्ट को देने में, टेबलेशन में हो रहा है, थोड़ा कमी है, गड़बड़ी नहीं है, थोड़ी बड़ी कमी जैसी है, उसको मैं चेक कर रहा था। स्टाफ हमारे टाइम पे रहते हैं कि नहीं, सीट पे रहते हैं कि नहीं, वो मैं चेक कर रहा था यहाँ पे। और नीचे नीचे टाइम बाउंड काम होना चाहिए। अभी नए कुलपति महोदय का विस्तृत आदेश है तो रूटीन काम देख रहे हैं। सर वो आपने पकड़ा जो है, हाँ, तो ये कब से नहीं, हमें इसकी जानकारी मिली थी
तो हमने बोला कि औचक मैं उसका करूँगा, निरीक्षण करूँगा। और शायद आप लोग के कोई कैमरा मैन थे उधर वहाँ पे, तो ये अनऑथराइज मैंने उसको मना कर दिया है। कब से कार्यरत था सर? एक कार्यरत ये मुझे कोई खास, लेकिन हमें समय समय पे सूचना मिलती रहती थी कि आदमी है, मैं चेक किया था। कितना दिन पहले सूचना मिली थी? कुछ मुझे याद नहीं है कितना दिन पहले। सर और कहाँ कहाँ निरीक्षण में गए थे आप? मैं आज एग्ज़ाम में गया था जहाँ पे रिजल्ट्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, कहाँ पे था? डिग्री सेक्शन में गया था मैं, टेबुलेशन सेक्शन में गया था और दो तीन जगह और भी गया था मैं। क्या गड़बड़ी मिली सर? नहीं गड़बड़ी नहीं, ये डिले हो रहा था तो उसको बोला कि थोड़ा एक्सपेडाइट करिए, इसको देने में, रिजल्ट देने में या कोई सर्टिफिकेट देने में डिले हो रहा है। जो फर्जी कर्मचारी धरा है सर, वो जांच अगर कराई जाए तो करेंगे, बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। अब देखिए हम उसको करेंगे, मैं जरूर किसी का वार्ड का बेटा है ये, मैं अभी नहीं, मुझे नहीं है। किसने कॉलेज में रखाया उसको? वो कॉलेज इंस्पेक्टर का नाम ले रहे हैं, इस पर क्या कहना है किसका? उस व्यक्ति वो लड़का कॉलेज इंस्पेक्टर के ऑफिस में ही था, तो मैंने पूछा कि कौन हो आप, तो बोला वो किसी का लड़का है। तो मैंने हिदायत दे दिया है कि अब कल से दिखना नहीं चाहिए, वो कल से नहीं दिखेगा। सर लीगली एक्शन भी लिया जाएगा और देखे देखते हैं। सर उसके पिताजी का कहना, तो उसके पिताजी यहाँ कर्मचारी हैं जी, ये ऐसे 8-9 और हैं जो कर्मचारी के बेटे हैं और विश्वविद्यालय में 13 से काम कर रहे हैं, 2013 से, आज तो 19 है सर। अगर उस पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं मुझे आप, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नाम है तो आप बताइए मुझे। बिल्कुल आप बताइए मुझे, मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो ये आया था, तो मैंने आज इसके ऊपर एक्शन लिया है। और अगर आप मुझे मदद करें विश्वविद्यालय में, अगर आपके पुख्ता है तो मुझे बताएं, उसको कमी को मैं दूर करूँगा, जरूर एक्शन लेंगे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान भतौरिया गांव निवासी उमेश यादव के पुत्र अरुण कुमार के रूप में हुई है। मृतक बीएन कॉलेज में स्नातक पार्ट 2 का छात्र था। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुबह शौच जाने के दौरान छात्र के पैर में बिजली का करंट प्रवाहित तार सट गया। अंधेरा होने के कारण तार नहीं दिखाई पड़ा, जिसके कारण वह करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने मृतक छात्र को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर मृतक के घर में कोहराम मच गया। घर के बाजू कहीं लापरवाही है, 11,000 मेरे घर के बगल से जाता है, बार बार कहते हैं इधर से समेटिए। सुल्तानगंज के पार्वती देवी कन्या उच्च विद्यालय में 9वीं की छात्र नांजनी की बहरमी से पिटाई विद्यालय के शिक्षक रामजी ने कर दी, जिसके बाद छात्रा की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। सूचना मिलने पर छात्रा के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और जमकर विद्यालय की प्राचार्या गीता प्रसाद चौधरी को फटकार लगाई। साथ ही परिजनों ने प्राचार्य कक्ष का घेराव कर जमकर नारेबाजी किया। इसके बाद भी विद्यालय प्रबंधन ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल नहीं भेजा, जबकि प्राचार्या ने इलाज के लिए अभिभावक को 2,000 रुपया पकड़ा कर पल्ला झाड़ लिया। इससे आक्रोशित परिजनों ने बीमार छात्रा को लेकर भी सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद विद्यालय की अन्य छात्राओं ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के शिक्षक रामजी ने बहरमी से छात्रा की पिटाई कर दी, जिसके कारण छात्रा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप श्री जैन श्वेतांबर मंदिर में शुक्रवार को जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान महावीर स्वामी के जन्म से पूर्व उनकी माता द्वारा देखे 14 सपने के आधार पर 14 सपनों की बोली लगाई गई, जिसमें जैन श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और हर एक सपने की बोली लगाकर अधिकार प्राप्त किया। जन्मोत्सव से पूर्व जैन धर्म एवं भगवान महावीर से जुड़ी बातों की जानकारी जैन धर्मावलंबियों को दी गई, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष बच्चे एवं युवतियों ने भी हिस्सा लिया। सपनों की बोली के बाद पूरे नियम के साथ भगवान महावीर के पालने की सफल बोली लगाने वाले श्रद्धालु ने जयकारे के साथ पालना लिया और पूजन स्थल स्थित सिंहासन पर भगवान महावीर के पालने को रखा गया, जिसके बाद जैन धर्म गुरु द्वारा महावीर के जन्म के प्रसंग के साथ भगवान महावीर का जन्म हुआ और सभी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ बारी बारी से पालने में झुलाया। इस दौरान सभी भक्तों ने एक दूसरे को महावीर स्वामी के जन्म की बधाई दी। प्रभात जैन ने कहा कि 8 दिनों तक जैन पर्युषण पर्व मनाया जाता है और शुक्रवार को पूरे नियम के साथ सभी श्रद्धालुओं द्वारा भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया गया। रश्मि सहायला ने कहा कि जैन धर्म में तपस्या का काफी महत्व है, इसमें अपनी शक्ति के अनुसार लोग तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा कि तपस्या में 10 दिनों
तक उपवास रखा जाता है और इसमें सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त से पूर्व केवल पानी पीने का विधान है। इस मौके पर विवेक डुग्गर, गौरव जैन समेत काफी संख्या में जैन श्रद्धालु मौजूद थे। स्वतंत्र मत के अनुसार अभी 8 दिन तक जैन पर्यूषण पर्व मनाया जाता है, जिसमें हम लोग हरा नहीं खाते हैं 8 दिन तक, सब भूल जाते हैं, भूखे रहते हैं। तब एक सम बहुत आदमी तपस्वी लोग कोई 3 उपवास करते ला करते हैं, जिसको कोई 28 करता है और भगवान को स्मरण करता है, जीव दया करता है, 8 दिन हरा नहीं खाया जाता है। आज भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, जो उसके द्वारा आज सबको मिलते हैं जीव दया पर, संयम पूर्वक जीवन जीने का। आज भगवान महावीर का जन्म दिवस है, इसे हम धूमधाम से मनाते हैं और हमारे पर्व में तपस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। अपने शक्ति के अनुरूप आदमी तपस्या करते हैं। आज मेरा 5 उपवास है और आगे 10 करने की भावना है। क्या कुछ विशेष? इसमें सिर्फ सुबह सूर्य उदय के बाद पानी पिया जाता है और सूर्य अस्त के पहले तक ही सिर्फ पानी में ही रहना है, कुछ खाना पीना नहीं है। और ये अपने इसमें अपने ही ताकत मिल जाता है भगवान, मतलब इस पर्व से। भागलपुर TNB कॉलेज में शुक्रवार को GDP और GST विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ NOU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडलीय, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर, प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर DN राय और डॉक्टर संजय कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत बुके और अंगवस्त्र देकर किया गया। सेमिनार में डॉक्टर तपन ने GST के इतिहास, परिणाम, प्रकार एवं आवश्यकता को पूर्वक बतलाया। वहीं डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर ने GST लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया, साथ ही छात्र छात्राओं को GST और GDP की जानकारी दी। मंच संचालन डॉक्टर सुमन कुमार ने किया। मौके पर प्रोफेसर परमानंद सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, डॉक्टर रतन मंडल, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर मुशिफक आलम समेत कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद थे। आज के सुधारीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, GST का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया, लोगों को अवेयर करने के लिए और इसका किस प्रकार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, हम लोगों ने GST और GDP पर एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल, जो कि पूर्व कुलपति रह चुके हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के और इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा एसोसिएशन है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अनिल कुमार ठाकुर जी आ रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैं। उनके द्वारा हमारे जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे और 1 डे सेमिनार रखा गया है। इनॉग्रल सेशन के बाद टेक्निकल सेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर DN राय जी करेंगे और यहाँ रिसर्च स्कॉलर लोग शोध पत्र अपना पढ़ेंगे और इसमें जो आउटकम्स आएंगे उसका रिपोर्ट बनाकर हम लोग विश्वविद्यालय और सरकार को प्रेषित करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के मुंदीचक गरैया रोड स्थित भद्रकाली मंदिर में भादो अमावस्या तिथि के अवसर पर शुक्रवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावा इस मंदिर में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं ने माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना भक्तिभाव से की। पंडित प्रभास चंद्र झा ने पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के बीच पूजा कराई और भक्तों ने माँ भद्रकाली से सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। भद्रकाली सेवा समिति के नरेंद्र शर्मा चंचल ने कहा कि 1951 में या माधो प्रसाद शर्मा के द्वारा भादो अमावस्या पर भद्रकाली मंदिर की स्थापना हुई और पूर्णिया के स्वर्गीय पंडित जलंधर झा ने प्राण प्रतिष्ठा कर भद्रकाली पूजन की शुरुआत की। माधो शर्मा की मृत्यु के बाद अब उनके पुत्रों द्वारा पूजन जारी है। गुरुवार की देर रात्रि अमावस्या तिथि प्रवेश के कारण माँ भद्रकाली की प्रतिमा स्थापित कर शंख एवं घंटे की ध्वनि के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ भद्रकाली की पूजा की गई, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह से मंदिर में विभिन्न जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की। निशा पूजा के बाद मां को खिचड़ी का भोग लगाया गया, जबकि शुक्रवार के पूरे दिन पूजन का सिलसिला जारी रहा और मेला सा माहौल दिखाई दिया। दिन के ढलने के साथ मंदिर एवं इसके आसपास में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। इस मौके पर काफी संख्या में विभिन्न जगहों से आए पुरुष, महिला, युवक, युवतियों एवं बच्चों ने भी माँ भद्रकाली के दर्शन किए। सुल्तानगंज नगर परिषद की नव निर्वाचित उपसभापति उषा देवी ने शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान सभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने बुके देकर स्वागत किया। साथ ही सभी पार्षद, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य एवं शहर के बुद्धिजीवियों ने भी माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ देकर नव निर्वाचित उपसभापति को शुभकामनाएं दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपसभापति ने कहा कि शहर को विकास की नई गति प्रदान की जाएगी। इस दौरान पूर्व उपसभापति मनीष कुमार समेत काफी संख्या पार्षद, नगर परिषद के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। मैं अपने तरफ से सभापति को अभिनंदन करती हूँ और जो भी नगर परिषद का काम है और ठीक से होगा और सभी पार्षदों मिलकर करेंगे, शहर का विकास करेंगे, सब मिलजुल के सभी पार्षद किसी से भेदभाव नहीं रहेगा, सब पार्षद मिलकर रहेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की ओर से भागलपुर के कचहरी चौक स्थित होटल में स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम व स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडर्स के समावेश विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कार्यशाला को महापौर सीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा, पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर, नासवी के राज्य समन्वयक राकेश त्रिपाठी, बिहार राज्य फुटपाथ दुकानदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल राम एवं भागलपुर के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने संबोधित किया। महापौर ने कहा कि वेंडर्स को स्मार्ट बनाने और सुविधा मुहैया कराने के लिए नगर निगम संकल्पित है, लेकिन इसके लिए नगर निगम प्रशासन के साथ वेंडर्स को भी एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि सभी को अपने घर के समीप जरूरत का सामान मिलना अच्छा लगता है, लेकिन नियम के साथ स्वच्छता का ख्याल रखना भी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना सबसे आसान काम है, लेकिन जिसे अपने परिवार का पालन पोषण और रोजगार चाहिए वो लाठी से नहीं डरने वाले, बल्कि आज एक जगह से हटाएंगे तो कल दूसरी जगह चले जाएंगे, इसलिए वेंडर्स के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि बिना व्यवस्था दिए उन पर लाठी चलाए या हटाए। वेंडर्स को जगह मुहैया कराकर व्यवस्थित किया जाए तो यह निगम के आय का स्रोत भी बनेगा, लेकिन अधिकारी अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर वेंडर्स को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। इस मौके पर नासवी के नगर प्रबंधक राजीव कुमार, सिटी मैनेजर रवीश कुमार समेत नगर निगम नासवी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी एवं वेंडर्स मौजूद थे। ये आज स्ट्रीट वेंडर्स का राज्य स्तरीय कार्यशाला था और कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 2014 में स्ट्रीट वेंडिंग के लिए कानून बना, बिहार सरकार ने 2017 में रूल्स भी बनाए, टाउन वेंडिंग कमेटी का भी गठन हो रखा है भागलपुर के अंदर, लेकिन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और पूरे बिहार में हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पे वेंडर्स को हटाया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट का हवाला दिया जाता है, जबकि हाईकोर्ट का कोई भी ऑर्डर उठाकर देख लीजिए जहाँ कहीं पर भी स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने की बात नहीं कही है। दूसरी तरफ जो कानून है वो कानून स्ट्रीट वेंडर्स के रेगुलेशन की बात करता है, मगर हमारे प्रशासन पदाधिकारियों को सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो स्ट्रीट वेंडर लगते हैं और इन्फोर्समेंट के नाम पर उनको हटाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो कानून है, जो कानून ये कहता है कि जब तक वेंडर्स का व्यवस्था नहीं कर दिया जाता, उनको वेंडिंग जोन में जगह नहीं दे दिया जाता, उनका सर्वेक्षण नहीं कर दिया जाता, तब तक धारा 3.3 के अंतर्गत किसी को भी हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अधिकारी इस कानून को अमल में लाने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में
वो अपना जिम्मेवारी से पता नहीं वो कितना उसको बहन कर पाते हैं करते हैं, लेकिन वेंडर्स को हटाते हैं। जबकि वेंडर्स जो है वो नगर निकायों के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है और नगर निगम को वो राजस्व दे सकते हैं, बशर्ते कि सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है लोगों को। और इस व्यवस्था के अंदर यदि आप देखेंगे तो स्ट्रीट वेंडिंग में भागलपुर के नाथनगर में शुक्रवार को श्रद्धा मणिकांत स्मृति दिवस के अवसर पर आशादीप एथलीट खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने प्रतिभागियों को मशाल जुलूस देकर किया। खेल की शुरुआत दौड़ से हुई जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों 1000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जूनियर एवं सीनियर वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है और आने वाले समय में यह प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर महेंद्र मंडल, रवि कुमार, अनिल मंडल, शैलेंद्र मणि समेत काफी संख्या में सदस्य एवं खिलाड़ी मौजूद थे। आपके सहयोगी, आपके साथी, अन्य संस्थाएं के साथ साथ युवा चेतना क्लब और ये गनोरा बादरपुर नाथनगर के सभी अभिभावक आपके साथ हैं। आप इसी प्रकार बच्चों को तराश कर आगे बढ़ाते रहें। मैं आज के इस स्मृत अवसर के ऊपर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और श्रद्धेय मणिकांत झा जी को मैं पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भागलपुर के नरगा कोटी स्थित पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शुक्रवार को शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन एवं विद्या भारती मानक परिषद की ओर से 7 दिवसीय मूल्यांकन प्रशिक्षणकर्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विद्या भारती के राष्ट्रीय संयोजक राकेश शर्मा, प्रदेश सचिव गोपेश कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार, विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद एवं प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राकेश शर्मा ने कहा कि शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुधार लाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें संवेदनशील, जिम्मेदार एवं क्रियाशील नागरिक बनाए। इस मौके पर सर्वेश खरे, राजकुमार ठाकुर, हरेंद्र नाथ पांडे, शशिभूषण मिश्र सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे। भागलपुर रेकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूल के सचिव इंजीनियर मोहम्मद राशिद इकबाल और प्राचार्य डॉक्टर शौकत अली ने जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा चयनित हुए छात्र मोहम्मद फैजान अंसारी एवं छात्रा समन सबीर को प्रोत्साहन राशि और उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं सचिव राशिद इकबाल ने सफल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रक्तदान एवं एचआईवी एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने की। कार्यशाला में एनएसएस के पदाधिकारियों ने स्वयं सेवक एवं सेविकाओं को रक्तदान करने के फायदे बताए और एचआईवी एड्स की जानकारी दी। जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षक मोहम्मद इमरान ने ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, मलेरिया समेत कई बीमारियों से बचने के उपाय बताए और छात्र छात्राओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर आशीष मिश्रा समेत कई शिक्षक मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। पिता की हत्या मामले में आरोपी पुत्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 8 साल पूर्व संपत्ति विवाद में पुत्र ने पिता की ईंट से कूचकर की थी हत्या। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कई विभागों को किया औचक निरीक्षण। फर्जी कर्मचारी का मामला आया सामने। करंट प्रभावित तार की चपेट में आने से इंटर के छात्र की हुई मौत। घर में मचा कोहराम। सुल्तानगंज में स्कूली छात्रा की शिक्षक ने की पिटाई, हालत गंभीर, परिजनों ने किया हंगामा। और भागलपुर के जैन श्वेतांबर मंदिर में धूमधाम से मनाई गई भगवान महावीर की जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।